के दिलों में दिमाग रहता था। तो इसीलिए गांधी जी वो लेटर लिखे थे कि विद्रोह हो सकता है। तो इस डर से जो है वायसराय मतलब उस जमाने के राष्ट्रपति, अभी जैसे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, तो राष्ट्रपति एक पद का नाम है, नाम नहीं है, नाम है रामनाथ कोविंद। उसी प्रकार से वायसराय एक पद का नाम था, वो राष्ट्रपति का नाम नहीं था, पद था वो। तो वो वायसराय जो थे वो अंग्रेजे थे, तो डर गए थे विद्रोह का नाम सुनकर कि वो लेटर में लिखा गया था गांधी जी द्वारा। इसीलिए उन्होंने एक लेटर भेजा यहाँ के गवर्नर को, चंपारण के गवर्नर, गवर्नर मतलब राज्यपाल, राज्यपाल के पास एक लेटर भेजे जिसमें उन्होंने लिखा कि आप क्यों नहीं इस स्थिति को संभाल पा रहे हैं, आप इसी को संभालिए। और गवर्नर भी यहाँ का जो था चंपारण का, वो भी अंग्रेजे था। थोड़ा सा यहाँ आपको बताया कि कलर्क से लेकर के राष्ट्रपति तक सब अंग्रेज, कोई भारतीय नहीं। तो वो लेटर जो था वो अभी गवर्नर के पास नहीं पहुंचा था, अभी रास्ते में था, आ रहा था। इधर दूसरी ओर क्या हुआ कि जैसा गांधी सोचे थे कि हम कल गिरफ्तार हो जाएंगे, वैसा हुआ। दूसरे दिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके कोर्ट ले जाया जा रहा था, हाजिर किया जा रहा था। इधर दूसरी ओर क्या हुआ कि पूरे चंपारण और मुजफ्फरपुर के इलाके में किसानों और मजदूरों के बीच फिर से एक हल्ला फैला, फिर से एक अफवाह फैली कि हम लोगों के बीच जो संत आए हुए हैं उनको अंग्रेजों के द्वारा तंग किया जा रहा है और उनको गिरफ्तार करके जेल में हाजिर किया जा रहा है। तो पता नहीं कि जेल में, कोर्ट में हाजिर किया जा रहा है, तो पता नहीं कोर्ट में उनके साथ क्या होगा, तो हम लोगों को रहना वहाँ बहुत जरूरी है। यह जो अफवाह फैला इसका नतीजा यह हुआ कि गांधी जी को कोर्ट में हाजिर करने के पूर्व, कोर्ट में अभी ले जा ही रहे थे तब तक, इधर पूरे चंपारण मुजफ्फरपुर का किसान मजदूर जो है कोर्ट में घेरे खड़ा था, पूरा हो हल्ला हंगामा हो रहा। अब अंग्रेज सिपाही जब कोर्ट में हाजिर, मैंने कोर्ट लेके पहुंचे गांधी जी को, देखते हैं पूरा किसान मजदूर हल्ला कर रहे हैं, पूरा कोर्ट के बाहर का पूरा भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर एक लाइन बड़ा अच्छा लिखते हैं लेखक साहब कि इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी नेता के बिन बुलाए इतनी संख्या में लोग आए हुए थे। अच्छे अच्छे नेता हुए भारत में, मैंने विश्व में, मार्टिन लूथर हैं, नेल्सन मंडेला हैं, जिनके बुलाने पर हजारों की संख्या में लोग आते थे। लेकिन यहाँ इतिहास में पहली बार ऐसा था कि बिन बुलाए इतनी संख्या में आए हुए थे। और आज की क्या हो रहा था स्थिति बच्चों, नेता लोग चिल्लाते रहता है भौंकों पर, है ना, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन कोई वहाँ हाजिर नहीं होता है। तो ये वहाँ पर जब ये पहुँचे, उन्हें लोग जब कोर्ट पहुँचा, कोर्ट में उनको ले जाया गया, तो जो अंग्रेज वकील लोग थे वो देखे कि तो मामला बड़ा पेचीदा हो गया, भीड़ जुड़ गया यहाँ पर। जैसे अंग्रेज लोगों का साफ मनसा था, अंग्रेज लोगों का मनसा ये था कि कोर्ट का ऑर्डर जब गांधी जी के पास जाएगा तो या तो गांधी जी मानेंगे या तो नहीं मानेंगे, अगर मान गए तो चंपारण छोड़ के चल जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो हाजिर, मैंने उसको गिरफ्तार करके कोर्ट हाजिर करेंगे, उसमें एक से एक धारा लागू कर देंगे, उसको जेल में भर देंगे और जेल को भी शिफ्ट कर देंगे एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो मामला जैसा तैसा हम लोग जैसा चल रहा था चलेगा, ऐसा था हम। लेकिन जो भीड़ जो था, इस भीड़ ने जो है वो तो मामला को ही उलट के रख दिया। आज गांधी जी अपने पार को दिखा दिए थे अंग्रेजों को। पार का मतलब ये नहीं कि 10 आदमी को आप पटक दीजिए, पार का मतलब ये कि आपके पीछे कितने लोग हैं। तो वह जो है अंग्रेज जो वकील लोग थे वो लोग फिर एक पिटीशन डाले, एप्लीकेशन डाले जज के सामने कि हम लोग को पता नहीं था कि मामला इतना पेचीदा हो जाएगा, इसलिए इसकी तारीख जो है बढ़ा दिया जाए।
नानी देखी जा रही है, तारीख बढ़ने वाला है। एक अच्छे नेता का एक कर्तव्य होता है कि गर्म लोहे पर चोट किया जाए, भीड़ का फायदा लेना चाहते थे गांधी जी कि भीड़ का फायदा फिर बाद में मिलने वाला है, वो अड़ गए, बोले कि नहीं तारीख नहीं बढ़ाएगा, जो होना होगा आज होगा, या तो आप लोग का न्याय दीजिए किसानों मजदूरों को या हमको जेल भरिए, लेकिन कार्रवाई आज ही होगी, तारीख नहीं बढ़ेगी। जब वो अड़ गए तो जज को मानना था, अगर नहीं मानते तो भीड़ का कमाल देख लेते, तो इसलिए जज साहब माने और जज साहब रिक्वेस्ट किए गांधी जी को कि ये बाहर जो हो हल्ला हो रहा है इसको शांत करवाइए, तभी कोर्ट की कार्रवाई होगी, तो हल्ला शोर शोर में कैसे होगा। तो गांधी जी उच्च स्थान पर चढ़ के सबको शांत कर दिए कि आप लोग बैठ जाइए, आप लोग शांति से तब कोर्ट की कार्रवाई होगी। सब लोग गांधी जी के कहने पर सब बैठ गए। उसके बाद जज साहब बैठे, गांधी जी को कटघरे में लाया गया। जज साहब पूछे कि क्या आपका कोई वकील है, बोल नहीं मैं खुद वकील हूँ। ठीक है, तो सवाल करने लगे कि आपने कोर्ट का ऑर्डर क्यों नहीं माना, जब कोर्ट का ऑर्डर आपके पास गया तो आपने क्यों नहीं माना। गांधी जी बोले कि देखिए, जो कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास गया था वापस आप ही के पास आ गया, उसमें देखिए मैं दो जगह साइन किया हूँ, एक जगह मैं लिखता हूँ कि मैं जगह को छोड़ रहा हूँ, फिर जगह लिखता हूँ कि मैं जगह को नहीं छोड़ सकता हूँ। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो जो मैं लिख रहा हूँ कि मैं जगह को नहीं छोड़, मैं जगह को छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अंग्रेजी नियम कानून का पूरा भरोसा करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि अंग्रेज नियम कानून के माध्यम से किसानों और मजदूरों को न्याय मिलेगा, इसीलिए मैं अंग्रेजी नियम कानून को तोड़ना नहीं चाहता था, अंग्रेजी नियम कानून को तोड़ करके बुरा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाहता था, जैसा कि अन्य लोग अभी अंग्रेज के खिलाफ नियम कानून तोड़ करके बहुत से भारतीय आज़ादी पर राय लड़ने वाले आंदोलनकारी लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे अंग्रेजी नियम कानून पर पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा, इसलिए मैं लिखा कि मैं जगह को छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर मैं लिखता हूँ कि मैं जगह को नहीं छोड़ सकता। तो क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि सारे नियम कानून और अदालतों से ऊपर है मेरी आत्मा। मेरी आत्मा कह रही थी कि नहीं, जब तक किसानों और मजदूरों की पैसा वापसी नहीं होगी जिस वजह से मैं यहाँ आया हूँ, तब तक मैं जगह को नहीं छोड़ सकता। तो इसके लिए जो मैंने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, कानून को तोड़ा, इसके लिए आप मुझे जो सजा देना चाहेंगे मैं तैयार हूँ। इतना गांधी जी बोले। तो जज साहब सोचते हुए बोले, जो गांधी जी लाइन जो बोल दिए ना कि मुझे अंग्रेजी नियम कानून का पूरा भरोसा है, यकीन है, यही लाइन जो जज साहब को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि आप एक उदाहरण समझिए, मान के चलिए कि आपके घर में आज रात चोरी होने वाली है और आपको पता चल जाए पहले से कि यही चोर है जो मेरे घर में जाकर चोरी करेगा, उस चोर को पकड़ करके आप अपने घर का गार्ड बना दीजिए, सिपाही बना दीजिए कि आप तुम घर की रक्षा करो मेरा, तो देखिए आप घर में चोरी नहीं होगा, क्योंकि जो चोर चोरी करने वाला था वही तो आपका रक्षक बन गया, अब चोरी कौन करेगा। तो उसी प्रकार से गांधी जी जो यह बोल दिए कि हमें अंग्रेजी नियम कानून पर पूरा भरोसा यकीन है, इस पर वो सोचने लगे और बोले कि देखिए गांधी जी, ऐसा है कि मुझे नहीं पता था कि ये मामला इतना पेचीदा हो जाएगा, इसलिए मैं इस केस का अध्ययन करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एक घंटा की मोहलत चाहिए, एक घंटा के बाद मैं इसका न्याय दे पाऊंगा, और तब तक आप जो हैं जेल के अंदर रह सकते हैं, जेल के बाहर भी रह सकते हैं लेकिन बेल पर। नियम यही कहता है कि जब आरोपी पर पूरी तरह से आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको जेल में रखा जाता है, क्योंकि जेल के बाहर रहेगा तो
गांवों के साथ छेड़छाड़ करता रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप 1 घंटा जेल में रहिए, या जेल से अगर बाहर आएंगे तो बेल पर, बेल मतलब जमानत, कोई गारंटर खड़ा होगा। तो गांधी अड़ गए, बोले कि नहीं, यहाँ मेरा कोई जान पहचान नहीं, सब किसान मजदूर क्या जानेंगे, सब बेल पर क्या होता है, या तो हम 1 घंटा जेल में रखिए या बाहर रखिए, बेल और सिस्टम नहीं होगा। क्योंकि गांधी जान रहे थे कि जेल हमको दे नहीं सकते ये लोग, क्योंकि जहाँ जेल दिए और बाहर कहीं थोड़ा सा भी लीकेज हुआ किसानों के बीच कि गांधी जेल गए तो सारे बारह सेना जो है कि उठ करके कोर्ट का एक ईटा कबाड़ के ले जाता घर। तो जज भी इस बात को जान रहे थे, तो बोले कि ठीक है आप 1 घंटा बाहर रहिए। 1 घंटा फिर बाहर रहे, मिलते जुलते रहे लोगों से। अब सोचिए से बच्चों कि जज साहब आए थे कोर्ट का न्याय देने के लिए, लेकिन जानकारी लेके नहीं आए थे, पढ़ के नहीं आए थे कि इसमें क्या मामला है। इसका मतलब उनका मनसा साफ था कि गांधी जी गिरफ्तार करेंगे, कोर्ट का ऑर्डर जाएगा, गांधी जी नहीं मानेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद जैसे तैसे उसको धारा लागू करके जेल बंद कर देंगे। 1 घंटा के बाद जज साहब फिर बैठे, फिर गांधी जी को घरे बुलाया गया और जज साहब बोले कि गांधी जी ये मामला इतना पेचीदा है कि 1 घंटा काफ़ी नहीं है इसको पढ़ने के लिए, इसलिए मेरा यकीन मानिए मैं अगले महीने की तारीख बढ़ा देता हूँ, और मेरा यकीन कीजिए कि अगले महीने की तारीख में आपको न्याय मिलेगा। तो गांधी जी बोले कि देखिए तो अगले महीने की तारीख जो आप बैठा रहे हैं उसमें 5 दिन मेरी तरफ से और ले लीजिए आप, लेकिन अगले महीना का अगले महीना नहीं होना चाहिए। बोल ठीक है, फिर तारीख बढ़ गया, अगले महीना तारीख बढ़ गई, और तब जैसा वे भी बोले कि तब तक आप जो है अगले महीने तक जो है आप जेल से बाहर रहिएगा, जेल में नहीं जाना है, क्योंकि जेल में डाल नहीं सकते थे, भी बाहर पड़ी हुई थी। उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई खत्म हो गई, गांधी जी बाहर निकले, सबको समझा दिए भीड़ को कि हमको कुछ नहीं हो रहा है, हम जेल नहीं जा रहे हैं, और अगले महीने के इतना तारीख को आप लोगों को न्याय मिल जाएगा, मेरा यकीन कीजिए है नहीं। तो गांधी जी को सब यकीन करते ही करते थे, सब उठे चले गए घर। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद जैसा कि गांधी जी सेकेंड लेटर जो भेजे थे पटना गांधी बाबू के पास, कुछ महाराजन वकील के साथ आइए आप यहाँ चंपारण, तो कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद राजीव बाबू आए, और कार्रवाई खत्म होने के बाद आए और कुछ वकील लोग साथ में आए, जैसे कि मौलाना मजीबुल हक, किशोर बाबू, ये सब लोग अच्छे अच्छे वकील लोग भी साथ में आए। तो गांधी जी वकीलों से पूछे कि अच्छा ये बताइए आप लोग कि अगले जो तारीख है उस तारीख में कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि हम जेल चल जाएं, हो सकता है कि न्याय भी मिल जाए। तो बाय द वे अगर हम कहीं जेल चल गए, न्याय नहीं मिला, जेल चल गए, तो आप लोग का रवैया क्या रहेगा, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा। तो वकील लोग बोले कि देखिए गांधी जी, हम लोग यहाँ आए हैं आपको सलाह देने के लिए, आपसे सलाह लेने के लिए, अब आप जेल चल जाएंगे तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग अपने घर चल जाएंगे। तब गांधी डांटे उन लोगों को, वकीलों को, कितनी बार डांटने बच्चों वकीलों को, दूसरी बार है ना, पहली बार डांटे थे वहाँ मुजफ्फरपुर में, दूसरी बार यहाँ डांट रहे हैं। बोले कि ठीक है हम जेल चल जाएंगे, आप लोग घर चल जाइए, किसान लोग इसे जुड़ते रहेगा, तारीख पर तारीख होते रहेगा, लोग का यही आप लोग का न्याय करता है। तो राजेंद्र बाबू नहीं थे, राजेंद्र बाबू देखे गांधी जी गुस्सा गए तो तुरंत वकीलों को साइड में ले गए, और साइड में ले जाके समझाया वकीलों को कि देखिए ये इंसान कहाँ से आए हैं, गुजरात से आए हैं, और आ करके यहाँ के किसानों के लिए जेल जाने के तैयार हैं, इनका कोई अपना लालच नहीं है कि हाँ किसानों का पैसा वापसी हो जाएगा तो कुछ कमीशन बनेगा इनका, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो ना सिर्फ इसी इलाके के हैं, बल्कि हम लोगों ने वादा भी किया है कि पैसा आप लोग का वापसी करवाएंगे, तो क्या हम लोग को ऐसी हालत में घर जाना चाहिए। तो वकील लोग जो है
और बोले कि अच्छा ठीक है तो चलिए गांधी जी के पास, जो बोलेंगे हम लोग तैयार हैं। तो ठीक चलिए, तो फिर सब वापस गए गांधी जी के पास, और गांधी जी हम लोग अब जो कहिए सब हम लोग तैयार हैं। तो गांधी जी क्या किए कि एक पेपर निकाले, और पेपर निकाल करके उसमें उसको फाड़ दिए टुकड़ा टुकड़ा में, फाड़ करके उसमें नंबरिंग लिख दिए, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, और सबको बांट दिए सभी वकीलों को, और बोले कि देखिए अगले तारीख में जब मैं कहीं जेल चला गया तो नंबर वन वकील जो आपको दिए हैं वो भी एकदम अड़ जाइएगा अंग्रेज सिपाही के सामने कि मुझे भी जेल भरिए, मैं भी गांधी जी हूँ, और खूब अड़ जाइएगा तो जबरदस्ती कीजिएगा तो आपको वो जेल भर देगा। जैसे दूसरा जब जेल में जाने लगेगा, तीसरा का पहला का जब जेल में तो दूसरा आइएगा और वो भी वैसे कीजिएगा, और दूसरा आएगा तो तीसरा का तीसरा भी। इस तरीके से सारे वकीलों को जब वो जेल में भरने लगेगा तो बाहर खड़ा हुआ भारतीय किसान सब लोग बोलेगा कि हाँ हमको भी जेल भरिए, हमको भी जेल भरिए। तो देखते हैं भारतीय वकील भारतीय किसानों को और भारतीय मजदूरों को कितना अगले लोग जेल में भर रह सकता है। जेल भरो अभियान शुरू करना है, लेकिन कोई मारपिटाई कोई लड़ा झड़ा नहीं करना है, अहिंसात्मक होना चाहिए आंदोलन, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए। सब वकील लोग मानेंगे कि ठीक है, तब गांधी जी भी खुश हो गए कि चलो चंपारण का युद्ध हम लोग जीत जाएंगे। इधर क्या हुआ कि वो जो लेटर पहुंचा था वायसराय के पास, वह लेटर जो है यहाँ के गवर्नर के पास पहुंच गया। गवर्नर भी अंग्रेज था, वो देखा कि ये चंपारण के मामले में राष्ट्रपति जी यानी कि वायसराय साहब एक्शन ले लिए, अब हमको कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो गांधी जी को बुलाए, बोले कि गांधी जी आप मेरे बंगलों में आइए, चंबर में नहीं, ऑफिस में नहीं, बंगलों में आइए, आपसे इस चंपारण मामले में बातचीत करनी है, और हम लोग का जो बातचीत का नतीजा होगा वही कोर्ट का ऑर्डर होगा। क्योंकि आपसे बच्चों को पता होगा कि हाई कोर्ट से ऊपर होता है राज्यपाल, राज्यपाल से ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होता है राष्ट्रपति। तो गांधी जी उसके बंगलों में जाने से पहले सारे वकीलों को समझा दिए, क्योंकि वो जो राज्यपाल था, वो जो गवर्नर था, वो भी अंग्रेज था और वो भी गर्म मिजाज का था। गांधी जानते थे कि अगर कहीं बातचीत के गम में गर्मा गर्मी हो जाए तो कहीं हो सकता है कि हम वहीं से गिरफ्तार हो जाए, तो इसीलिए वो जाने से पहले सारे वकीलों को समझा दिए कि देखिए अगर हम वहीं से कहीं गिरफ्तार हो गया उनके बंगलों से ही, तो आप लोग क्या क्या करना है पता है ना? हाँ हम लोग को पता है, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। गए गांधी जी, चार घंटा बातचीत हुई गवर्नर साहब और गांधी जी के बीच, और चार घंटा के बातचीत का यही नतीजा निकला कि एक जांच समिति गठित की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। और वो जांच समिति क्या करेगी कि इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी कि कैसे कैसे क्या क्या होगा, और वह रिपोर्ट कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, फिर कोर्ट निर्णय देगी होना क्या है। उस चार घंटा बातचीत का नतीजा यही, घंटे की बातचीत का नतीजा यही था। और उस समिति में रहेगा कौन कौन ये भी उसी मैंने मीटिंग में तय हो गया। तो उस समिति में रहेगा अंग्रेज जमींदारों के तरफ से कुछ जमींदार लोग, सरकारी ऑफिसर के तरफ से कुछ सरकारी अफसर लोग, वो लोग भी अंग्रेजी थे, और किसानों के तरफ से कुछ भारतीय वकील और गांधी जी। तो गांधी जी बोले कि हमको भारतीय वकीलों पर भरोसा नहीं है। तो गवर्नर साहब बोले कि ठीक है तो आप अकेले रहिए। गांधी बोले ठीक है हम अकेले रहेंगे। तो ये एक समिति बन गई। वो समिति का काम क्या होता कि एक रिपोर्ट तैयार करता है कि इस कैसे कैसे मामला उठा ये चंपारण वाला, और कोर्ट में हाजिर कराएगा, फिर कोर्ट निर्णय देगा। ये उस चार घंटा की बातचीत का नतीजा था। अब
अंग्रेज जमींदार लोग उस समिति में कौन कौन थे? अंग्रेज जमींदार थे, अंग्रेज ऑफिसर लोग थे। तो अंग्रेजों को क्या पड़ा हुआ रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार करने का? तो गांधी जी क्या किया, अपने प्रयासों से सारे 10,000 के संख्या में किसान मजदूर थे सबको इकट्ठा किए और सारे भारतीय वकीलों को इकट्ठा किए और सबको लाइन से मैंने वकीलों को लाइन से कुर्सी और टेबल लाकर बैठा दिए और सारे किसानों मजदूरों को बोले कि आप लोग लाइन से आते जाइए और अपना जो क्या क्या हुआ है आपके साथ सारा बयान दर्ज करवाइए। एक डंडा भी मारा है अंग्रेज लोग तो आपको भी लिखवाइए, कहाँ कहाँ साइन करवाए, कैसे कैसे करवाए, टोटल में शुरू से अंत तक सब लिखवाइए। और आपके पक्ष में कोई बोलने वाला उसका भी बयान दर्ज करवाइए, आपके विपक्ष में कोई बोलने वाला उसका भी बयान दर्ज करवाइए। एक महीना करीब यही चला, एक महीना तक जो है जब यही चला तो पूरा कागजों का ढेर लग गया और गांधी जी वो भी कागज को इकट्ठा करवाए जिस पर लोग किसान लोग अंगूठा दिए थे, अंगूठा छाप दिए थे, वो भी कागज इकट्ठा किए। उन्हें समझिए कि कागजों का एक पहाड़ जमा हो गया, वही था रिपोर्ट, रिपोर्ट तैयार हो गया। अब सारा गांधी जी उठा करके जो है कि कोर्ट में हाजिर करवाए। अब ये कोर्ट समय लिया उसको पढ़ने के लिए कि पढ़ेंगे तब बताएंगे। अब एक महीना वो पढ़ा, एक महीना पढ़ने के बाद जज साहब जो है निर्णय दिए कि हाँ अंग्रेज जमींदार लोग गलत हैं, किसानों की पैसा वापसी होनी चाहिए। एक कोर्ट का निर्णय आया, जैसे कोर्ट का निर्णय आया किसानों के बीच में खुशी का लहर दौड़ गया। अंग्रेज जमींदार लोग जो पैसा हड़पे थे वो थोड़ा दुखी हो गए। कोर्ट का निर्णय आ गया। अब ये अंग्रेज जमींदार लोग जिन्होंने पैसा लिया था वो लोग इस कोर्ट के निर्णय में होल खोज रहे थे कि कहाँ लूज पॉइंट है जिससे हम लोग बच के निकले। तो उन लोगों को एक लूज पॉइंट मिल गया कि कोर्ट यह निर्णय दिया है कि पैसे की वापसी होनी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए ये नहीं मेंशन किया हुआ है, 100% की, 50% की, 25% कुछ भी। तो यही बात को लेकर के अंग्रेज जमींदार लोग गांधी जी के पास गए कि गांधी जी हम लोग कोर्ट का निर्णय से बाहर नहीं है, कोर्ट का निर्णय हम लोग मानने के तैयार हैं, लेकिन कोर्ट यह निर्णय नहीं दिया है कि कितना वापसी देना करना है, 100% की, 50% की, 25%। तो आप ही बताइए कि कितना वापस करें हम लोग। ऐसा पूछते समय अंग्रेज लोग डर भी रहे थे कि कहीं गांधी जी बोल ना दे 100%। लेकिन गांधी गांधी ठहरे, वो बोल दे 50%। तो सब अंग्रेज लोग मान गए कि ठीक है हम लोग तैयार है 50%। और 25% जो है वहीं वापस कर दिए और 25% जो है वो बोले कि हम लोग बाद वापस कर देंगे। तो किताब में कहीं मेंशन नहीं है 25% वापसी का जो बाद में वाला, लेकिन इतिहास पढ़िएगा तो इसमें दर्ज है। उसके बाद गांधी जी आंदोलन को बंद करवा दिए, पैसा वापसी हो गई, बदोबंदी की समाप्ति हो गई, पैसा वापस हो गया, गांधी जी आंदोलन बंद करवा दिए। तब भारतीय किसान लोग फिर गांधी जी के पास पहुंचे, बोले कि गांधी जी जब वो लोग पूछ रहा था कि कितना वापस करें तो आप ऐसा क्यों नहीं बोले कि 100%, आप 50% का है बोल दिए। तो गांधी समझाया उन्होंने, बोले कि देखो यहां मुद्दा पैसे का नहीं था, मुद्दा था उन लोगों को झुकाना। वो लोग इससे पहले समझते थे कि मैं कानून से ऊपर हूं, आज उन लोग को बता दिया कि तुम लोग भी कानून से ऊपर नहीं हो। उनको झुकाना मेन मुद्दा था, उन लोगों को बताना ये मेन मुद्दा था कि तुम लोग भी कानून से ऊपर नहीं हो। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अंग्रेज लोग में कमी ये थी कि नियम कानून से ही बनाते थे वो, लेकिन कमी ये थी कि अपने ही नियम कानून बनाने के ऊपर वो लोग कायम रहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं नियम कानून बनाया हूं ये मेरे लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए। तो यही बात को जताने के लिए गांधी जी बोले कि मैं इसीलिए 50% को मान गया। साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं